लखनऊ में मायावती की बड़ी समीक्षा बैठक को लेकर यह बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बैठक में आकाश आनंद को बुलाया गया। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यूपी के बाहर काम करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो लखनऊ में मायावती की बड़ी समीक्षा बैठक हुई और आकाश आनंद का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर बैठक में आकाश आनंद को बुलाया गया। तो बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी जा सकती है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ में मायावती की बड़ी समीक्षा बैठक हुई और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बैठक में आकाश आनंद को भी बुलाया गया है। तो आकाश आनंद का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, यूपी के बाहर काम करने की बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में मायावती की बड़ी समीक्षा बैठक हुई और साथ ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आकाश आनंद का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में रहा और आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से दी जा सकती है। और लगातार संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बार फिर से आकाश आनंद का नाम सुर्खियों में है। देखिए, इसी तौर पर अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव से पहले उनको कहम जिम्मेदारियां दी गई थी और लखनऊ में बैठक के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अपना अधिकारी घोषित किया था और जिस तरीके से वो लगातार चुनावी कंपेन कर रहे थे आकाश आनंद, तो लगातार बयानों के लिए चर्चाओं में थी और ये कहा जा रहा था कि बसपा को वो भरता हुआ है, वो एक नेता है वो मिला है। हालांकि आखिर बयानों के बाद वो चर्चाओं में भी रहे, विवादित बयान थे जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये चर्चाएं थी बसपा मायावती है आकाश आनंद से नाराज है। इसके बाद उन्होंने अपने सभी अधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको हटा दिया था और उसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि अब क्या आकाश आनंद की वापसी होगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव में जो बसपा का जो भी जनाधार है वो भी खिसकता नजर आया और नतीजे के नाम पे सुन नहीं रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब समीक्षा बैठक की है और हालांकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे है उसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने समीक्षा की है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को उनको बुलाया गया था और ये भी चर्चा है कि अब जल्द इनको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल लेकिन रवि, बीएसपी की आज भी बड़ी बैठक होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आकाश आनंद को भी बुलाया गया है, तो किस तरह की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है आकाश आनंद को? लेकिन निश्चित तौर पर जो नतीजा है उससे बसपा प्रमुख मायावती पूरी तरीके से नाखुश है। अब ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद को अगर बुलाया जा रहा है तो जाहिर है कि उनको एक जिम्मेदारी हो दी जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से आक्रामक होकर बयान दे रहे थे उस बयानों को लेकर कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान हो ये समझ के बसपा प्रमुख मायावती ने संभवतः उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उसके अलावा दूसरा अधिकारी पद से भी हटाया था। लेकिन अभी देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार फिर से आकाश आनंद को लेकर चर्चा हो रही है कि यह माना जा रहा है कि आकाश आनंद को फिर से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल ये सारा अंतिम निर्णय है वो बसपा प्रमुख मायावती को ही लेना होगा और देखना होगा, क्योंकि अब इसके बाद 10 सीटों के चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो होंगी बसपा पर भी। तो बसपा प्रमुख मायावती है खुद अब लगातार समीक्षा करती रहती, बैठकें करती रहती है, देखना होगा कि आकाश आनंद को क्या फिर से कोई जिम्मेदारी मिलती, क्योंकि अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं, धीरे धीरे समय गुजर रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि बसपा प्रमुख मायावती से क्या कोई निर्णय लिया जाता है, आकाश आनंद को क्या कोई जिम्मेदारी मिलती है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो क्या कोई जिम्मेदारी दी जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। तो अगली